आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी बोम्बिल फ्राई। तो मैंने 8 बोम्बिल ले ली हूँ, इसे मैंने कट कर ली हूँ इस तरह से। बीच का काटा मैंने निकाल ली हूँ और नमक लगा के अच्छे से धो के एक सूखे कपड़े में मैंने सूखे कपड़े से मैंने पोंछ ली हूँ। तभी हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। एक नींबू का रस ऐड करेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे एक चम्मच, नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे हम आधा चम्मच, और फिश फ्राई मसाला है मेरे पास वो मैं एक चम्मच ऐड करूंगी। इन सारे मसालों को हम अच्छे से बोम्बिल पे लगा लेंगे। और अच्छे से हम इस तरह से मसालों बोम्बिल पे लगा लेंगे और इसे आधा घंटा हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। इस तरह से सारे बोम्बिल को हम मसाला लगा लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं, आप लोग जरूर बनाएं। इसी तरह से मैं लगा के उसे आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। आधे घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। मैरिनेशन रख के आधा घंटा हो चुका है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैं चावल का आटा लूंगी 2 बड़े चम्मच और रवा लूंगी 2 चम्मच। अच्छे से मिला लूंगी इसे और एक एक बोम्बिल उठा के हम इस तरह से अच्छे से कोट कर लेंगे हम। इसी तरह से हम सारे बोम्बिल को हम आटे और रवे में कोट कर लेंगे। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन ली हूँ, उसमें मैंने ऑयल ऐड कर ली हूँ। ऑयल गरम हो चुका है, उसमें हम बोम्बिल फ्राई करेंगे। एक तरह से हम फ्राई होने देंगे इसे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज्यादा फास्ट नहीं रखेंगे। अभी हम पलटी कर लेंगे, दोनों तरफ से हम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे इसे। बोम्बिल फ्राई हो चुकी है, इस
इसी तरह से मैं सारी बोंबिल फ्राई कर लूंगी। एकदम मस्त क्रिस्पी फ्राई हुई है, इसी तरह से मैं सारी बोंबिल फ्राई कर लूंगी। तैयार है हमारा क्रिस्पी बोंबिल फ्राई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं, क्रिस्पी बने हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे और मुझे कमेंट करें कि कैसी बनी है। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर भी कर दे, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।